नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज। में हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष तरुण मंडलोई के नेतृत्व में सिवनी में हुए आदिवासी हत्याकांड और प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया पर षड्यंत्र पूर्वक सरकार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने के विरोध में आज जिला कांग्रेस कार्यालय टॉकेट चौराहे पर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। अलीराजपुर युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष तरुण मंडलोई ने बताया कि मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया पर जिस तरह प्रशासन ने सरकार के दबाव में षड्यंत्र के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है वो चिंताजनक है। श्री मंडलोई ने कहा है कि एक ओर सरकार आदिवासियों की हितैषी होने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर शिवराज सरकार के राज में निरंतर आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं वह चिंताजनक है। पिछले कई समय से प्रदेश में जिस तरह से आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ा है वो दुखद है। मध्य प्रदेश के सिवनी में जिस तरह से गौमांस के शक में धानशाह व संपत बट्टी को कुछ युवकों ने सिर्फ शंका के आधार पर पीट पीट कर मार डाला वो बहुत ही भयावह है। क्या आदिवासियों का हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार के लिए आदिवासी महज वोट बैंक है? वास्तव में सरकार अगर आदिवासियों की हितैषी है तो घटना में शामिल आरोपियों पर ठोस कार्रवाई कर उक्त आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाए, अन्यथा युवा कांग्रेस इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं करेगा। पुतला दहन करते समय शहर कांग्रेस अध्यक्ष शीतल पवार, सोनू वर्मा, जितेंद्र देवड़ा, फरहान मंसूरी, मंडल अध्यक्ष धन सिंह चौहान, मनीष चौहान, पिंटू सेन, प्रदीप सोनी, बातू पचाया, नितिन भिंडे, विशाल चौहान, धीरेन चौहान, ज्ञानू तड़वाल, सुनील तोमर मौजूद थे। अलीराजपुर से संवाददाता मुस्तकीम मुगल की रिपोर्ट। आज आपके द्वारा जो पुतला दहन किया गया था क्या ऐसी घटनाक्रम हुए जिसको लेकर आक्रोश है? जी, लगातार आदिवासियों पे जिस तरह से मध्य प्रदेश में अत्याचारों की वृद्धि हो रही है, विगत दिनों जिस तरह से सिवनी में जो आदिवासी समुदाय के जो हमारे भाई थे उन लोगों पर जिस तरह से बेरहमी से पीटा गया है, उनकी हत्या की गई है, और जहाँ तक सभी जानते हैं कि वो एक ऐसे सामाजिक संगठन से आते हैं जो किसी को बताना उचित नहीं है क्योंकि सभी को बताए वो कहाँ से, आज उसके विरोध में और उसी के साथ में हमारे जो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं विक्रांत जी भूरिया, उन पर भी प्रदेश सरकार ने जिस सड़न के तहत जो गलत तरह से FIR दर्ज की है उसी के विरोध स्वरूप आज युवा कांग्रेस अलीराजपुर ने यहां पर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का पुतला दहन किया। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।